गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुजाता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजी के अंदर हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसके क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और इसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वॉट इज़ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज़ ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब इकोसिस्टम के अंदर बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। द लिविंग और नॉन लिविंग से मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स विद इन ईच इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज क्लाइमेट, लाइट, प्रेसिपिटेशन, सॉइल एट्सेट्रा। इकोसिस्टम जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और इट कैन बी बिग लाइक ओशन और डेजर्ट। द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल थिंग्स मस्ट वर्क टुगेदर प्रोवाइड ए गुड लिविंग एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ नॉट एनफ वाटर, प्लांट्स एनिमल्स, अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई एंड इकोसिस्टम विल नॉट एग्जिस्ट। इकोसिस्टम के अगर एग्जाम्पल्स हम देखें तो कौन कौन से हैं, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ओशियन, ये सारे इसके सैम्पल्स हैं। तो इकोसिस्टम अपन कह सकते हैं कि इट इज़ ए बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय टेंसले। डेफिनेशन जैसे हमने पढ़ लिया है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्टिंग अमंग देमसेल्फ्स एंड विद द एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। Thus, an ecosystem is a community of different species interacting with one another, with living, non-living things. For example, animals can not synthesize their food directly, but depend on plants directly, indirectly. इसका मतलब ecosystem के अंदर बहुत सारी living और non-living things जो हैं वो आपस में interact करती रहती हैं और एक environment form करती हैं। अब ecosystem जो है ये दो type के होते हैं, natural ecosystem और artificial ecosystem। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं दे आर इन द नेचुरल कंडीशंस और इसके एग्जांपल्स हो गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक, ये सारे। टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पे में जो इकोसिस्टम होता है, दिस इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू लैंड। एग्जांपल जैसे ग्रास लैंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड प्लांट्स के द्वारा होते हैं। एक्वाटिक मतलब जो कि वाटर में होता है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू वाटर। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट कंटेंट। इसमें दो होंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है इसमें, और रनिंग इकोसिस्टम। अब एग्जाम्पल्स हो गए इनके, रिवर स्ट्रीम्स और उसका हो जाएगा पॉन्ड। मैरीन इकोसिस्टम भी होता है जिससे एग्जाम्पल हो गए सी। तो ये तो हो गए नेचुरल इकोसिस्टम। इसके अलावा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है, जो कि मैन मेड होता है, जैसे कि हम घर में गार्डन लगाते हैं, क्रॉप लैंड्स हो गए, ये सारे किसमें आते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विच इज़ मेंटेन्ड बाय मैन हिमसेल्फ। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो अपन ने भी पढ़ लिया कि इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, एक तो बायोटिक हो गए और एक एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम। एग्जाम्पल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे मिलके बनाते हैं बायोटिक। अब द मेंबर्स ऑफ बायोटिक इकोसिस्टम ऑफ आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स कौन से हुए, ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स, तो वो हो गए कंज्यूमर। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई वगैरह ये सब होते हैं डिकम्पोजर्स। तो इसका मतलब तीन मेन कंपोनेंट्स हैं इसके बायोटिक के, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ मीन्स ये अपना फूड स्वयं मतलब खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो प्रोड्यूसर्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर्स। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक रिएक्शन होती है जिसके द्वारा प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट्स, प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है। और ये CO2 प्लस H2O की रिएक्शन द्वारा सनलाइट की और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो C6H12 6 CO2 प्लस
12H2O गिव C6H12O6 प्लस 6CO2 और वाटर निकलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर्स जो कि हैं ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दे आर हिटरोट्रॉफ्स, मतलब जो कि हिट्रो मीन्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, विषम यानी दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो इसमें भी क्या कौन से हो गए? प्लांट ईटिंग स्पीशीज, मतलब इंसेक्ट्स, रैबिट, गोट, ये सब क्या काऊ ये प्लांट्स को खाते हैं। तो इनका भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, इनको हर्बीवोर्स कहेंगे। प्राइमरी कौन से हुए? जो कि ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं? इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एज दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। एग्जाम्पल इंसेक्ट, रैट, काऊ, हॉर्स एट्सेट्रा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि इनको बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हुए? जो कि मतलब किसको खा रहे हैं? मीट ईटर्स, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं दे आर प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे। दे फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी इंसेक्ट्स और काऊ इन सबको खाते हैं। दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हर्बीवोर्स फॉर द फूड। एग्जाम्पल है फ्रॉग, कैट, स्नेक एट्सेट्रा। देन टर्शियरी कंज्यूमर्स ये क्या होते हैं? टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, ये इनको सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं, ये भी मीट ईटर्स होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स आर सेकेंडरी कार्निवोर्स, दे फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर फूड। एग्जाम्पल टाइगर, लायन वगैरह, ये सब टर्शियरी कंज्यूमर्स में। देन डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, दे आर एज डिकम्पोजर्स, और ये डेड बॉडीज जो होते हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इन सबको डिकम्पोज कर देते हैं। द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टुगेदर विद अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर यूटिलाइज्ड बाय द प्रोसीजर फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। अब ये सब तो थे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे? ए मीन्स नॉन लिविंग एबसेंट, और बायोटिक मीन्स बायोलॉजिकल मटेरियल। द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स आर फिजिकल और केमिकल होते हैं, इनको बायोटिक कॉम्पोनेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा। अब इसे फिजिकल इनको बांट सकते हैं अपन फिजिकल और केमिकल में। तो फिजिकल कॉम्पोनेंट्स कौन से हो गए? दे इंक्लूड द एनर्जी, क्लाइमेट, रॉ मटेरियल, लिविंग स्पेस ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी दे नीड। एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एट्सेट्रा। केमिकल कंपोनेंट्स कौन से हुए? दे आर द सोर्स ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक ऑल माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एट्सेट्रा, एंड माइक्रो मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। थैंक यू।